जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का वीडियो, काफ़ी सारे बच्चे अभी SSGD के आने वाले फॉर्म भरने वाले हैं और बहुत सारे बच्चों को फर्स्ट चॉइस सभी बता रहे हैं। जैसे मैंने भी बताया था कि आपके लिए टॉप फर्स्ट चॉइस कौन सी है या टॉप थ्री फर्स्ट चॉइस कौन सी है, लेकिन आपके लिए अभी ज़्यादा जानना जरूरी है कि कौन सी फोर्स का क्या क्या काम है, उनमें क्या क्या डिफरेंस है, कौन सी फोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी, इनकी जॉब लोकेशंस क्या है, इनकी सैलरी क्या है, इनमें प्रमोशन कैसे होता है, इनके डिपार्टमेंटल एग्जाम कब होते हैं, इनकी मिनिमम सर्विस क्या है, इनकी सैलरी की ग्रोथ कैसे है, इनके प्रमोशन मतलब किस प्रकार से होते हैं। तो इन पूरे टोटल के टोटल जितने भी प्रकार की जो जानकारी है वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो पर इस वीडियो के अंदर आपको CRPF, BSF और CISF, इन तीन बड़ी फोर्सेज को ले रहा हूँ। इन तीनों फोर्सेज के अंदर अंदर क्या क्या फर्क है, क्या क्या डिफरेंस है और क्या इनकी जॉब लोकेशन है, क्या इनकी सैलरी है और इनकी जॉब प्रोफाइल, यानी नॉर्मल सी आपकी इनकी जॉब प्रोफाइल में इस एक वीडियो में कवर करने वाला हूँ इन तीनों की। तो दोस्तों अगर आप भी इनमें से अगर किसी जॉब को मतलब आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको इस जॉब में जाना है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। मैं पूरी डिटेल से पॉइंट टू पॉइंट आपको ये पूरा का पूरा वीडियो बताने वाला हूँ। तो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, अभी देखना बहुत जरूरी, आपके दो चार मिनट का समय मैं लूँगा लेकिन आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी। अगर आप SSGD या CAPF के द्वारा इन किसी भी फोर्सेस में जाना चाहते हो तो इनमें से तीन मोस्ट फोर्स है, अगले वीडियो में बाकी तीन और अगले वीडियो में दो फोर्सेस उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इन फोर्सेस को लेने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई करने के लिए आपको के पास में पढ़ाई का सामान होना चाहिए ना, तो सबसे लिए आपके पास में जरूरी है बुक्स। बुक्स के बारे में काफ़ी बच्चे मेरे से पूछते हैं, निरंतर पूछते रहते हैं कि सर हमको कौन सी बुक लेनी चाहिए। तो दोस्तों अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक आ रखी है मॉडल पेपर की, साथ में फुल थ्योरिकल बुक भी है जिसमें SSGD का पूरे के पूरे चैप्टर दिए हुए हैं, रीजनिंग मैथ यानी फुल वाली बुक भी आ रखी है। बहुत ही अच्छी बुक है, मैंने भी पढ़ी है, ये बुक आप परचेज कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है अमेजन पे, बेस्ट सेलर बुक भी हो रखी है क्योंकि इसमें 14-15 ओल्ड पेपर साथ में 20 प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर भी दिए, यानी बहुत अच्छी, साथ में ऑनलाइन टेस्ट भी आपको इसमें फ्री मिल जाते हैं, तो आप परचेस कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें जॉब लोकेशन के, तीनों फोर्स के साथ साथ मैं डिफरेंस बताऊंगा, साथ साथ इनकी जॉब लोकेशन बताऊंगा, CRPF, BSF और CISF। दोस्तों बता दूं पहले तो इनकी जॉब लोकेशन ऑल इंडिया में, यानी भारत में इनकी कहीं पे भी ड्यूटी लगा सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से BSF ड्यूटी करते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रूप में, यानी ज़्यादातर इसकी ड्यूटी जैसलमेर, राजस्थान, जम्मू या बॉर्डर जहाँ भारत पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है उस बॉर्डर रेखा के रूप पर ज़्यादातर इसकी ड्यूटी लगती है। दूसरी बात करते हैं CRPF, आप सभी को पता होगा CRPF की ड्यूटी ऑल इंडिया में कहीं पे भी कोई भी स्टेट में लग जाती है, लेकिन मुख्य तौर पर मैं आपको यहाँ मुख्य तौर पे बता रहा हूँ, मुख्य तौर पर CRPF के जवान नक्सलाइड एरिया यानी छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इधर नक्सलवाद जो एरिया है इधर, इसके साथ साथ में मिलिटेंसी एरिया यानी जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, इधर भी ड्यूटी करते हैं। इसके साथ में इलेक्शन ड्यूटी के लिए भी CRPF का मुख्य रूप से काम होता है। उसके बाद में बात करते हैं CISF। CISF की आप सभी को पता है कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज, यानी औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए इस फोर्स को बनाया गया है। ये दिल्ली मेट्रो साथ में एयरपोर्ट ड्यूटी करता है, जितने भी औद्योगिक क्षेत्र है, खदान है जो या सरकारी जितने भी कारोबारी क्षेत्र है उन सभी को सुरक्षा प्रदान करता है CISF। ये इनकी जॉब लोकेशन के साथ साथ में इनका जॉब प्रोफाइल मैं बता रहा हूँ आपको कि इनका वर्क क्या क्या है, तो आप अच्छी बात थी समझ गए होंगे कि इनका वर्क क्या क्या है। CRPF की ड्यूटी मैंने बता दिया नक्सलाइड एरिया में यानी नक्सलियों के सामने, कोबरा के रूप में भी इसकी स्पेशल फोर्सेस है। उसके बाद में CISF का इंडस्ट्रियल एरिया, मेट्रो, दिल्ली पुलिस, एयरपोर्ट एरिया या रेलवे, इस प्रकार की ड्यूटी इंडस्ट्रियल एरिया औद्योगिक क्षेत्र, खदानों, उद्यानों की रक्षा के रूप में CISF करता है। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रूप में उसकी फर्स्ट प्रायता है, साथ में इलेक्शन ड्यूटी और भी कई प्रकार की छोटी मोटी ड्यूटियाँ करते हैं। अब बात करते हैं इनकी सैलरी। दोस्तों सैलरी तीनों की बेसिक सैलरी आपकी शुरुआत में जब आप ज्वाइन करते हो तीनों की बेसिक सैलरी समान होती है। अभी प्रेजेंट टाइम में 21,700 प्लस 10% DA प्लस HRA, 8%, 16% और 24% तीन भागों में बांटा गया है। इन सभी की सैलरी प्रेजेंट टाइम में समान है। अगर बात करें सैलरी के साथ में कि अब रिस्क अलाउंस इनकम से किसका ज़्यादा होता है, तो दोस्तों बता दूं हर एक एरिया पे डिपेंड करता है कि उसका रिस्क अलाउंस कितना ज़्यादा है, लेकिन इन दोनों तीनों फोर्सेस में सबसे ज़्यादा अगर मतलब हाई रिस्क वाले एरिया में रहते हैं तो वो CRPF, उसके बाद में BSF, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर BSF का रिस्क अलाउंस ज़्यादा बड़ा होता है लेकिन CRPF का कम और CISF का कम। लेकिन मैं बता दूं इन तीनों फोर्सेज में अगर सैलरी की बात करें तो ज़्यादा बड़ी सैलरी देखने को मिलेगी आपको CRPF में, क्योंकि CRPF का ज़्यादातर काम नक्सलाइड एरिया और श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के खिलाफ काम करती है। इलेक्शन ड्यूटी में भी एक्स्ट्रा मनी के रूप में मिलता है, TA PA बहुत सारे प्रकार के पैसे मिलते हैं, तो इनकी सैलरी बड़ी देगी। उसके बाद में BSF और CISF, ये इनकी सैलरी के बारे में मैंने बता दिया। ट्रेनिंग के बाद में, ट्रेनिंग तक सभी की सैलरी
समान होती है। अब बात करते हैं इन तीनों की स्पेशल फोर्सेस यानी कमांडो फोर्सेस कौन कौन सी है। CISF के लिए निंजा कमांडो, जिनको आपने अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ दिन पहले मोदी जी के सामने एक निंजा कमांडो ने एक डेमो दिया था VIP सिक्योरिटी का, जिसमें वो गाड़ियों को तीन ट्रेन इस प्रकार से जाती है, एक अचानक से टर्न करा के पीछे मोड़ के जो लेके जाते हैं वो है निंजा कमांडो। इनकी ड्रेस सेम ही होती है, ज़्यादा ड्रेस में डिफिकल्ट नहीं होता, थोड़ी ब्लैक ड्रेस भी इनकी अलग प्रकार की, एक सेकेंड ड्रेस होती है ब्लैक होती है। इनको बोलते हैं निंजा कमांडो, जो कि CISF के कमांडोज होते हैं। बात करें BSF के कमांडोज, BSF के स्पेशल कमांडो होते हैं क्रोकोडाइल कमांडोज। ये बागा बॉर्डर पे आप जितने भी कमांडोज को जो परेड करते देखते हो क्रोकोडाइल कमांडोज की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने वो कमांडो कोर्स किया हुआ वो था क्रोकोडाइल कमांडो। इनको स्पेशली तैयार किया जाता है वैसे तो भारत और पाकिस्तान की जो सेना रेखा लगती है, जो सीमा रेखा लगती है, उस सीमा रेखा पर पैरे के लिए ऑफ ड्यूटी के लिए ऑपरेशन ड्यूटी के लिए इनको तैयार किया जाता है। उसके बाद बात करें CRPF की स्पेशल फोर्स, तो CRPF में रैपिड एक्शन फोर्स के रूप में भी और कोबरा के रूप में भी दो स्पेशल फोर्सेस है। कोबरा आप सभी को पता है, कोबरा नक्सलाइट एरिया में नक्सलियों से लोहा लेने के लिए स्पेशल फोर्स बनाई गई है, जिसमें रिस्क अलाउंस काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तीनों कमांडो फोर्सेस में रिस्क अलाउंस अच्छा मिलता है दोस्तों। इसके अलावा अगर और कौन कौन सी स्पेशल ड्यूटी कर सकते हैं तो ये तीनों की तीनों फोर्स NSC कमांडो बन सकते हैं, SPG कमांडो बन सकते हैं और NDRF में जान सकते हैं। ये तीनों की तीनों फोर्स, इन तीनों फोर्सेस में स्पेशल ड्यूटी के लिए तीनों फोर्स से बंदे जा सकते हैं दोस्तों। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये इनकी कमांडो स्पेशल फोर्सेस है। अब बात करते हैं इनकी कैंटीन सुविधाएं, तो तीनों फोर्सेस को मेडिकल और कैंटीन सुविधाएं सेम है। CPC कैंटीन सुविधाएं मिलती हैं तीनों के तीनों फोर्सेस को और मेडिकल सुविधा भी सेम है, ठीक है। मेडिकल सुविधाओं में इन तीनों फोर्सेस में कोई भी अंतर नहीं है, तीनों की जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो सेम ही है। ड्यूटी में इनके काफ़ी अंतर आते हैं। फिर बात करें पेंशन सुविधा भी इन तीनों फोर्सेस में सेम है। NPS पेंशन सुविधा यानी न्यू पेंशन सिस्टम है, उसके द्वारा इन तीनों फोर्सेस में पेंशन सुविधा भी सेम दी गई है। बात करें इनकी सर्विस की, तो मिनिमम आपको इसमें 20 साल की सर्विस करनी पड़ेगी तीनों फोर्सेज में मिनिमम, ज़्यादा से ज़्यादा आप 60 साल की उम्र तक इनमें सर्विस कर सकते हो। दोस्तों प्रमोशन के बारे में काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर कौन सी फोर्स में सबसे ज़्यादा प्रमोशन होते हैं, तो दोस्तों इसके लिए एक अलग क्राइटेरिया जो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। दोस्तों वैसे तो अभी प्रेजेंट टाइम में सभी फोर्सेज BSF CRPF और CISF इन तीनों के तीनों फोर्सेज में सिपाही को एक CTGD को NCGD बनने में 18 से 20 साल का समय लग जाता है तीनों फोर्सेज में, किसी में 17 साल के कभी 18 साल कभी 17-18 इस प रकार से समय लग जाता है। लेकिन BSF और CRPF काफ़ी बड़ी फोर्सेस है, तो इनमें डिपार्टमेंटली एग्जाम हमेशा होते रहते हैं, निरंतर होते रहते हैं, हर चौथे पांचवें साल में और हर दूसरे साल में 2 साल बाद में आप RO यानी रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम देके NCGD बन सकते हो, NC RO बन सकते हो ये तीनों फोर्सेस में। लेकिन ज़्यादा डिमांड रहती है CRPF और BSF में, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी फोर्सेस है, तो जितने भी बच्चे ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशन कर लेते हैं वो SI का एग्ज़ाम दे सकते हैं या 12th पास है वो NCGD का एग्ज़ाम दे सकते हैं, NCRO का एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि बड़ी फोर्सेस है तो काफ़ी बड़ा आंकड़ा इनमें वैकेंसी पे आती है, डिपार्टमेंटली वैकेंसी, उसके द्वारा आप प्रमोशन पा सकते हैं। और एक कॉन्स्टेबल, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कॉन्स्टेबल DSP बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है एग्ज़ाम देके पहले SI का और SI से फिर DSP का। क्या ट्रेडमैन SI का एग्ज़ाम दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। ट्रेड वाला भी कुछ भी NCM यानी मिनिस्ट्री में जा सकता है, NCGD का दे सकता है। और लेकिन आप अगर NCRO का एग्जाम देके फाइट हो जाते, NCRO अगर आप बन गए तो उसके बाद में आप SI नहीं बन सकते और उसके बाद में आप DSP भी नहीं बन सकते। उसके लिए आपको CTGD से NCGD, NCGD से SI, SI से DSP बन सकते हो या डायरेक्ट CTGD से SIGD बन सकते हो। तीनों फोर्सेज में प्रमोशन का यही नियम है, डिपार्टमेंट की प्रमोशन इस प्रकार से होते हैं। उसके लिए मिनिमम आपकी 3 साल की सर्विस होनी चाहिए, NCRO के लिए आपकी 2 साल की सर्विस होनी चाहिए ट्रेनिंग के बाद में, वो भी बिना किसी आपकी गलती, मतलब अगर आपने कोई भी बड़ी गलती कर दी है तो फिर आपको उसकी अगर पनिशमेंट मिल गया तो वो एग्ज़ाम आप नहीं दे पाओगे दोस्तों। तो ये इन तीनों फोर्सेस में आपको काफ़ी सिमिलरिटी और काफ़ी कुछ अलग भी मिला होगा। अलग क्या क्या मिला उसके बारे में अगर मैं एक रिपीटेशन दूँ तो इनकी ड्यूटी तीनों की बिल्कुल डिफरेंट ड्यूटी है। BSF की बॉर्डर के रूप में ड्यूटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रूप में। CRPF की सेंट्रल CISF की जो इंडस्ट्रियल एरिया में ड्यूटी है उसके साथ में औद्योगिक खदानों हो गई, बड़ी बड़े सरकारी कार्यालय दफ्तर हो गए, उसके अलावा एयरपोर्ट ड्यूटी हो गई, मेट्रो ड्यूटी हो गई, दिल्ली मेट्रो ड्यूटी है और भी इस प्रकार की छोटी बड़ी एयरपोर्ट के अलावा भी अगर कहीं ड्यूटी है तो इस प्रकार की कम रिस्क वाली है। इसके बाद में CRPF की अगर बात करें तो बिल्कुल डिफरेंट ड्यूटी है। CRPF नक्सलाइट एरिया में ड्यूटी करती है, मिलिटेंसी एरिया में ड्यूटी करती है, इलेक्शन ड्यूटी करती है और भी कई प्रकार की ड्यूटी करती है, जैसे धरना प्रदर्शन होते हैं बड़े बड़े या आंदोलन होते हैं उसमें भी आपको CRPF फोर्स ने देखा होगा। तो इस प्रकार से ये अलग अलग काफ़ी डिफरेंस वाली ड्यूटी हैं जो मैं आपको बताया, कुछ इनमें सिमिलरिटी भी है कुछ अलग अलग भी है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो की जानकारी, आप ज़रूर अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर जरूर करिए। और अगला वीडियो मेरा आएगा ITBP SSB और
एक फोर्स असम राइफल, इन तीनों के बारे में, उनमें क्या क्या कंपेरिजन है उसके बारे में अगला मेरा वीडियो आएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।